बहनें अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगी तो भारत का कल्याण तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि हमारा भारत गांव का भारत है, गांव का ही है। और बहुत सुंदर ये सब्जेक्ट लेकर के हमारे चंद्रेश भाई, श्याम भाई, हमारी गीता बहन, मैं देख रहा था उद्घाटन का सारा दृश्य, बड़ा अच्छा लगा कि सबके अंदर उमंग उत्साह है। एक तो हमारा यही शुभ संकल्प है कि जहाँ से भी बहनें अगर आई हैं, 45 आई हैं, तो 45 मॉडल तो बन ही जाएंगे योग्य खेती के। 10 भाई भी हैं। 10 भाई भी हैं, भाई तो चलो बहनों के साथ हैं, हाँ क्योंकि भाइयों को तो बहनें कहेंगी तभी बनेगा, लेकिन 45 तो बन सकते हैं अगर 45 स्थानों के अलग अलग बहनें हैं तो। हाँ और जहाँ पर भी गीता पाठशालाएं हैं, जो छोटे गांव हैं, उन गांवों को अगर हम एडाप्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, दो चार चीजों में, सब में नहीं एडाप्ट करना, दो चार चीजें भी अगर कर लेते हैं, तो ये होता है कि ब्रह्मा कुमारी जी ने हमें कुछ सहयोग दिया। जैसे वृक्षारोपण कर दिया, व्यसन मुक्ति का एक कर दिया, स्वच्छता का कर दिया, तो ये दो तीन चार बातें लेकर के अगर हम कुछ भी गांव के लिए करते हैं तो एक अच्छा बाबा का नाम रोशन होता है। ये पर बहनें तो पाठशालाओं में जाती हैं, मेहनत करती हैं, और ये एक अच्छी विधि अगर उनको पता चल जाती है तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए हमारे सभी टीचर्स बहनें खास ट्रेनिंग लिया है, बहुत अच्छी तरह से सब सुन रहे हैं। मैं भले यहाँ हूँ लेकिन बुद्धि से आपके पास ही हूँ सबके। थैंक यू। हमारे देव सिंह भाई भी खास हमीरपुर से इन बहनों को ट्रेनिंग देने के लिए रास्ते के सफर की कई कठिनाइयों को पास करते हुए पहुंच गए, और कल हाँ बहुत अच्छा FPO के ऊपर में उन्होंने बहनों को समझाया। ये नया विषय था हम सबके लिए, बड़ा अच्छा उन्होंने क्लियर किया, बहनों ने भी क्वेश्चन आंसर किए, अच्छा लगा सभी वो को। प्रैक्टिकल है ना, जो प्रैक्टिकल बातें होती है ना, कोई ने किया है तो बताता है तो उसका असर पड़ता है। तो हमारे देव भाई बहुत अच्छा वहाँ कर रहे हैं, और करने के कारण जब यहाँ शांतिवन में आए थे तभी भी उन्होंने कई सजेशंस दिए थे। अगर हमारा कुछ प्रैक्टिकल हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत किसान जुड़ते हैं, यूथ जुड़ते हैं विशेष करके, और यूथ अगर जुड़ गए तो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से लक्ष्य यहाँ तो जो। ओपनिंग में तिम्बाडिया साहब आए थे, उनकी अभी गांधीनगर में मीटिंग थी, तो जी वहाँ से अभी अभी समाचार आया, ये जिग्नेश भाई ने सुनाया कि उन्होंने उस मीटिंग में कहा है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जो सखी मंडल होता है उसकी माताएं होती हैं, उनकी 5 दिन की ट्रेनिंग रखते हैं। तो उन्होंने कहा वो ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर रखी जाएं, हमारे 2 स्थानों पर, एक भरूच में और एक ये दीपिका बहन करजन, इन्हों के पास में वो ट्रेनिंग हो चुकी है। तो अच्छा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक वो माताएं रहती हैं, उन्हों के लेक्चर्स होते हैं, ब्रह्मा भोजन हम लोग देते हैं, और 1-1.5 घंटा वो हमें देते हैं आध्यात्मिक ज्ञान सुनाने के लिए। उससे इन्होंने कहा ये बेनिफिट हुआ कि वो सब माताएं हमारे संपर्क में आईं, और उन्होंने कहा कि हम आपको अपने गांव में निमंत्रण देंगे, हम आप जब हमारे गांव में आएंगी तो हम आपको सहयोग देंगे। तो अभी सारे गुजरात के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस तो मैंने पर, देख, तो सेवा का सबसे अच्छा साधन है, भले हमको 4-5 दिन ब्रह्मा भोजन खिलाना पड़े, नहीं खर्च भी वो लेकिन उसके खर्च खर्च टोटल वो लोग देंगे। देंगे भले, लेकिन हमारी बहनों को मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बनाने की हाँ जरूर जरूर लेकिन उसके रिटर्न में इनको बहुत कुछ वो माताएं देने वाली है। हाँ जिस गांव में वो जाएंगी बहनें तो वो पहले से कहेंगी, दीदी हमने वहां पर आपसे लाभ लिया था, आप हमारे घर में आओ। हमारे घर में पाठशालाएं खोलने का अच्छा साधन है, अगर पाठशालाएं गांव-गांव में खोलनी है तो इन माताओं का बहुत अच्छा संगठन होता है, तो उनको सेवा देनी चाहिए, करनी चाहिए। और जहाँ बड़े स्थान है, करजन भी बड़ा है, भरूच भी बड़ा है, लेकिन और भी जो बड़े हैं, मैसाना में भी हो, हर और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर करेंगे। अभी कलोल के लिए उन्होंने सबसे पहले कहा है, तो पहले अभी कलोल में होगा, फिर जब यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे जिन भी सेवा केंद्रों पर, तो सब रेडी हैं करने के लिए। हाँ अपने पास अभी तो मोस्टली सब जगह पर बड़े बड़े स्थान हैं, हाँ और सब जगह कितनी आती है, 100-150, नहीं
चालीस पचास, चालीस पचास 40-50 तो कहीं भी रह सकते हैं, हाँ और रहते रात को नहीं तो है, उनको, रात को तो रहना नहीं है उनको। नहीं बस सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, फिर दूसरे दिन आने का, शाम को चले जाने का। तो बहुत अच्छा है, फिर तो सब जगह हो सकता है, हाँ ये तो घर बैठे सेवा का साधन है। हाँ तो तिम्बाडिया साहब ने सभी ऑफिसर्स को ये अप्रोच किया, आग्रह किया कि इस रीति से रखे जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तुरत दान महापुण्य यहाँ पर अभी ओपनिंग करके गए, और फिर सेवा के लिए भी उन्होंने ओपनिंग कर दिया। ये बहुत अच्छी सेवा है, इससे अच्छी सेवा और कोई नहीं, क्योंकि हाँ तो घर बैठे समझो आपको बने बनाए 45 माताएं आई हैं, तो कम से कम 20-25-50 की हाँ अंदर उमंग आएगा। जरूर, और बहनों की पालना जब मिलती है ज्ञान योग की पवित्रता की, तो उनको अंदर से आता है कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। वैसे भी गुजरात इन बातों में नंबर 1 है, फॉलो करेंगे दूसरे स्टेट वाले भी। चलो भाई नंबर 1 की ताली तो बजाओ, आप सब नंबर 1 हो। गुजरात तो सेवा में गीता पाठशाला जितनी मैं समझता हूँ गुजरात में है, दूसरे किसी स्टेट में इतनी नहीं। खोलने और सब बहने एक्सपर्ट हैं पाठशालाएं खोलने में। में रात को 11 बजे तक जाना, हाँ स्कूटी ले लेकर के, आना यहाँ बहुत डर नहीं मेहनत। है ना, तो ऐसा इतना भय नहीं है बाहर नहीं का। इतना गुजरात में सेवाएं गीता पाठशालाओं की गांव की हुई ना, मैं समझता हूँ दूसरे किसी स्टेट में नहीं हुई है, हाँ अच्छी बात है। चलिए ओके, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मीटिंग किया, ट्रेनिंग लिया। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, आपको ये याद किया और आप फौरन कनेक्ट हो गए, और सबको अपनी अपनी शुभकामनाएं आज दी। मैं सवेरे से कह रहा था प्रहलाद भाई मोहन भाई क्यों नहीं गए, तो बोला चंद्रेश भाई ने कहा अभी ट्रेनिंग वाले हैं यहाँ पर इसलिए नहीं आओ। तो हाँ हमने मैं प्रहलाद भाई को इसलिए मना किया क्योंकि वो जो खेती की